हेलो गाइज, वेलकम टू एडवंकुरन। जो लोग निम्न वर्गीय कलर का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए रिजल्ट आ चुका है कटअप मार्क्स के साथ। तो आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट और कटअप मार्क्स दोनों को डिस्कस करते हैं। ये है आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट, और इस रिजल्ट को हम लोग जब डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 3/4/2023 को ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है, ये देखिए, इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 2017 में हुई थी, उसका परीक्षा फल जो है वो निष्कासित किया गया है। यहां पर देख लीजिए आप, ये इसका रिजल्ट है। नियमित भर्ती है निम्न वर्गीय लिपिक जो कोषागार संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग में है। ये देखिए, रोल नंबर के साथ, नाम के साथ आपका कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें टोटल रिजल्ट कितना हुआ है वो आपके सामने रख दे रहा हूं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि सेलेक्ट हुए हैं वो हैं आपके 165। ठीक है, और फिर दूसरा जो है निम्न वर्गीय लिपिक जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले राज्य विभाग स्तरीय संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनका रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, वो 44 हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, अपना अपना रोल नंबर देख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत जो सेलेक्टेड हैं वो देखिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं आप लोग, वो कुछ इस तरह से हैं, 51 है उसमें। और समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत जो एलडीसी हैं, जो आप कलर में आपका जो चयन हुआ है वो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं, 675 है। ठीक है, और सबको अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया गया है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा अपना। इसका पीडीएफ जो है वो एडवंकुरन के टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। और जो बैकलॉग भर्ती है उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं उसका देखिए, यहाँ पर वो 31 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और जो लंबित मतलब कि जो पेंडिंग में है वो 2 कैंडिडेट्स को पेंडिंग में रखा गया है, और उसका रीजन भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि उपर्युक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थियों का रिक्ति सहित परीक्षा फल वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित रखा गया है। तो ये देखिए, सुमित कुमार मिश्रा और वसीम टोपो जो हैं वो एलडीसी क्लर्क में है दोनों का, एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट में है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में है, तो इनको लंबित रखा गया है। ठीक है, इसका रीजन बस यही बतलाया गया है कि वांछित प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसको आप लोग दिखला के आप लोग अपना कॉन्टेक्ट कीजिएगा जेएसएससी से। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका सिलेक्शन जो हुआ है उसका कटअप मार्क्स भी ये देखिए, ये मैं यहाँ पर आपको दिखला दे रहा हूँ, ये कटअप मार्क्स, मार्क्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का कटअप मार्क्स भी यहाँ पर जारी किया गया है। इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं तो कटअप मार्क्स कुछ इस तरह से ओपन होता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये देखिए, ये भी 3 तारीख को निकाला गया है। इसमें परीक्षा फल अंतर्गत कोटिवार चयनित अंतिम अभ्यर्थी का प्राप्तांक निम्नवत है। तो निम्न वर्ग जो कोषागार संवर्ग में जो राज्य स्तरीय संवर्ग है उस अनारक्षित 648.44। ठीक है, अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि ये दिया हुआ है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 645 और पिछड़ा वर्ग के लिए 646, अनुसूचित 2 अनुसूचित 1 के लिए 645, अनुसूचित जाति के लिए 617.80 और अनुसूचित जनजाति के लिए 565.85। ठीक है, और ये जो क्षैतिज आरक्षण वाले जो थे जिनका अंधापन और दृष्टि कम जो था दृष्टिबाधिता के लिए, उन लोगों के लिए 476.95, बहरापन और श्रवण निःशक्तता वालों के लिए 543.20, चलन निशक्ता या सेरेब्रल पॉल्सी इन लोगों का जो कटअप है वो 639.14। देखिए आप लोग सबको देखते जाइए कटअप कितना कितना है। ठीक है, और नोट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोट महिला कोटी जो कि क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मेधा में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, निम्न वर्गीय लिपिक जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में राज्य स्तरीय संवर्ग, तो इसमें का जो कटअप है वो क्या है वो देख लीजिए,
650.86, ठीक है, अनरिजर्व के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 650.10, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए फिर से 650.42, ठीक है, फिर अनुसूचित जाति के लिए 628.10 और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 562.16, मतलब कि 562.16 और भी है, मतलब कि कटअप निकालने का है, तो इसके अंतर्गत जितने भी लोग आए हैं उनका अनुसूचित जाति में जनजाति में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और फिर से क्षैतिज आरक्षण जो है उसके लिए अंधापन और कम दृष्टि वालों के लिए 569.67, ठीक है, 569.67, और बहरापन एवं निषक्तता कोई अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ग, निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य और कर विभाग में जो जो कटअप आया है वो है 652.00 अनरिजर्व के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 639.23, ठीक है, 639.23 और अनुसूचित जनजाति के लिए 567.83, ये कटअप है, ठीक है। फिर क्षैतिज आरक्षण जिनको मिला है अंधापन और कम दृष्टि के लिए 564.87, ठीक है, और बहरापन एवं श्रवण निषक्तता वालों के लिए कोई चयनित नहीं हुए हैं और चलन निषक्तता वाले का भी कोई अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, घ, समाहरणालय में जो आप लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए कट ऑफ कितना है रखा गया, अनरिजर्व के लिए 646.82, पिछड़े वर्ग अनुसूची वन में जो आते हैं 643.34, वही अनुसूची दो पिछड़ा वर्ग ओबीसी 643.90, ठीक है, आगे है अनुसूचित जाति के लिए 587.44 और अनुसूचित जनजाति के लिए 558.99, ये आपका कटअप है, ठीक है। और अंधापन और कम दृष्टि वालों के लिए 428.80 ये कटअप रखा गया है, बहरापन एवं श्रवण निषक्तता वालों के लिए 432.60 और चलन निषक्तता और सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत जो कटअप रखा गया है वो 646.81, ठीक है। आगे है अंक पत्र एवं कौशल जांच परीक्षण अंतर्गत हिंदी टंकन में टंकित अनुच्छेद डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है उसको बहुत जल्दी प्रकाशित कर दिया जाएगा, ये आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे दिया गया है। तो दोस्तों जिसका भी सिलेक्शन हुआ है विश यू ऑल द बेस्ट आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोग बहुत अच्छे से काम कीजिए ईमानदारी के साथ और झारखंड की तरक्की में अपना योगदान दीजिए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जम के कीजिए, नोटिफिकेशन आ रहा है और बहुत जल्द आप लोगों का एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। अब आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।